हाय फ्रेंड्स, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज है दिवाली और आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज दिवाली पे हम लोगों की पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठी हुई है और अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं सुबह की पूजा की, जो हनुमान जी की पूजा होती है और उसके लिए एक स्पेशल प्रसाद बनता है हमारे यहाँ, मोस्टली आप लोगों के यहाँ भी बनता होगा, चूरमा जिसको बोलते हैं। इसमें पूरी और बताशे और घी मेरे फादर इन लॉ का सबसे स्पेशल ये रहता है। ये प्रसाद हमारे फादर इन लॉ पापा ही बनाते हैं और वो बना रहे हैं पूरी और बताशे और घी मिला के चूरमा के लड्डू बना रहे हैं और हम लोग पूजा के बाद फिर ये प्रसाद लेंगे। बाकी आप फ्रेंड्स मेरी पूरी फैमिली से मिल चुके हैं, लेकिन अभी एक मेंबर हमारी फैमिली के जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़े मेंबर हैं उनसे आप नहीं मिले हैं। मैं आपको मिलाती हूँ उनसे, हमारी दादी जी। आपने हमारी अम्मा जी को सासू बनिया वाले डांस में देखा था और बहुत सारे लोगों ने उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया था, तो थैंक यू सो मच। अम्मा जी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे मेरे फ्रेंड्स डांस की। अच्छा, मैं सासू बनिया वाले। और फ्रेंड्स एक और मेरा आने वाला है डांस, वो आज हम शूट करेंगे दिवाली पे, उसमें भी हमारी अम्मा जी होंगी, तो आप लोग प्लीज उसको देखना और सासू बनिया वाले गाने की तरह जैसे आपने इतना सारा सपोर्ट किया है वैसे ही करना। ये हमारी अम्मा जी और फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट, दिखाती हूँ कि पूजा कैसे होती है, क्या होता है, मिलती हूँ आपसे बाद में। और यहाँ पे हो रही है खाने की तैयारी और मारी जा रही है बहुत सारी गप्पे। ये बना रही हूँ मैं लक्ष्मी जी और गणेश जी, इनको हमारे यहाँ चावल के इसको बोलते हैं हमारे यहाँ एपन, इसको बना के और इसको हम यहाँ पे काटते हैं, फिर शाम को इनकी पूजा होती है। जब ये पूरे सूख जाएंगे, अभी तो आपको थोड़ा नहीं साफ दिखाई दे रहे होंगे, जब ये पूरे सूख जाएंगे एकदम वाइट वाइट हो जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में, मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। तो हाय फ्रेंड्स, फाइनली अब है टाइम रंगोली का और बहुत सारे कलर हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मेरी बेटी, ये भी अपना अलग कलर बनाएगी, अपनी अलग रंगोली बनाएगी और मैं अभी बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी और उसके बाद फाइनल भी दिखाऊंगी। और देखो साथ में क्या क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। अरे पानी ले आ, लाइटिंग लग चुकी है और ये मेरी बन रही है रंगोली इस टाइम। और अम्मा जी मेरे पास बैठी हुई है, हर साल वो ऐसे ही रंगोली देखती है जब मैं बनाती हूँ और पूरी डिजाइन देखती है, पूछती रहती है, अभी पूछ रही है ये मोर बन रहा है, मोर के पंख बन रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, हमारी अम्मा जी बहुत ही बढ़िया किस्से और कहानियाँ सुनाती हैं, उनके साथ मुझे किस्से कहानियाँ सुनने में बहुत मजा आता है। और ये जो पूरा दिवाली का त्योहार है ना, वो मेरा फेवरेट त्योहार है, मतलब मैं इस दिवाली का इंतजार करती हूँ पूरे साल, क्योंकि इसमें इतना मजा आता है मुझे, रंगोली बनाने में बड़ा मजा आता है। अम्मा जी दौज पे बहुत सारी कहानियां सुनाती हैं, वो सुनने में मजा आता है। और कल गोवर्धन होगा, मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे गोवर्धन बनाती हूँ, मुझे वो बनाने में बड़ा मजा आता है। और सब एकदम लाइटिंग हो जाती है घर में, मैं आपको रात को दिखाऊंगी, सबसे मिलाऊंगी और एकदम कलरफुल सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के पूजा पाठ करना सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है फाइनल लुक, मैंने आपको बताया था लक्ष्मी गणेश जी का, और ऑल सेट फॉर द दिवाली पूजा।
तो ये है मेरे घर का पर्सनल फेवरेट प्लेस, मेरे घर की बालकनी। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में ये जगह देखी होगी, जानी पहचानी लग रही होगी, लेकिन मैं इस टाइम आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ लाइट है और आज दिवाली का टाइम है। अभी हमने यहाँ पे शूटिंग की है पास और इतनी लाइटिंग हो रखी है यहाँ पे। ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्लेस है। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा, मेरे वीडियोज भी यहाँ पे बहुत सारे देखते हो। और इसके बाद बहुत सारे लोग मेरे साथ बोलते हैं कि होम टूर कराओ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मैं दिवाली पर ट्राई करूँगी कि मैं आपको होम टूर करा पाऊँ, जितना मैं करा सकती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँगी आपकी रंगोली, जो फाइनल रंगोली बनने के बाद, दीपक जलने के बाद क्या उसका एक्चुअल लुक आया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलो आप मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी रंगोली। हम लोग फाइनली ये दीपक जो है अपनी रंगोली को सजाने के लिए आए हैं। और आप देखो, इस बार मेरी बेटी ने भी रंगोली बनाई है, अभी उसके में भी दीपक रखने हैं, वरना वो गुस्सा हो जाएगी हमसे। फ्रेंड्स, ये है मेरी बेटी आर्याना की रंगोली। बहुत अच्छी रंगोली बनाई है उसने और मुझसे भी ज़्यादा बड़ी रंगोली बनाई है उसने। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा मंदिर का एरिया। ये आपने मेरे एक डांस वीडियो में भी देखा होगा। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे से तभी रिक्वेस्ट की थी कि अपना होम टूर कराइए। तो यही है वो मंदिर, अभी हमने यही पूजा की थी, आप लोगों को ब्लॉग में भी देखोगे। और ये लॉबी में हमारे पूरी फैमिली की फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये सबकी फोटोग्राफ है। ये मेरी छोटी देवरानी और छोटे देवर हैं, और ये मेरी पूरी फैमिली है। इसमें अम्मा जी और मम्मी पापा, बच्चे और हम सब लोग हैं। और ये मम्मी पापा आप जानते ही हैं। फ्रेंड्स, ये है मेरी मैरिज का फोटो, ये देखिए, इसमें मैं दुल्हन बनी हुई खड़ी हुई हूँ। और ये मेरे हस्बैंड, सबको आप जानते ही हैं, और मेरे दोनों देवर। तब दोनों की शादी नहीं हुई थी ऑब्वियसली, तो मेरी देवरानियाँ नहीं थी, लेकिन अब मेरी देवरानियाँ आ चुकी हैं। ये दोनों देवरानियाँ मेरी, आप इन लोगों से पहले मिल चुकी हो। दोनों बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छी हैं। वो इसलिए भी अच्छी हैं क्योंकि वो डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत कैमरा कॉन्शियस भी है, लेकिन मेरे कहने पर बेचारी डांस भी करती हैं और वीडियोज़ में भी आती हैं और फोटोग्राफ्स भी खिंचाती हैं सिर्फ मेरे कहने पर। तो मेरे लिए भले लाइक मत करो, लेकिन इन दोनों के अपॉइंट के लिए प्लीज़ लाइक कर दो। और मैं बहुत लकी हूँ, ये दोनों मेरी देवरानी हैं। फ्रेंड्स, वी आर आल्सो वेरी लकी टू हैव हर, शी इज़ लाइक, शी इज़ अवर जेठानी, शी इज़ लाइक सिस्टर टू अस। एंड सो प्लीज सपोर्ट एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब हर चैनल एंड जस्ट गिव लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट टू अस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो यहाँ पे तैयारी हो रही है, आज है गोवर्धन, तो हैप्पी गोवर्धन टू ऑल ऑफ यू। और आज यहाँ पे हमारे यहाँ बन रही है सब्जी अन्नकूट की, जिसमें मैं अराउंड 50 सब्जियाँ कट कर चुकी हूँ और चल रही है अभी, तो 50 से ऊपर ही हैं सब्जियाँ। आप लोगों की अभी बनती होगी ये वाली सब्जी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना कि आप लोगों के अन्नकूट बनता है या नहीं। इसका प्रसाद बनेगा और अभी बनेगी कढ़ी, चावल और रोटी और अन्नकूट की सब्जी, और शाम को बनेगा गोवर्धन। भाई दूज, आज है भाई दूज और ये ब्लॉग तो ऑब्वियसली बाद में आएगा। आज मेरी दीदी हैं, दिल्ली से आई हुई हैं, और इनकी बेटी है शिवी, ये आरएश की दौज करती है। आप ब्लॉग में देखोगे वीडियो, मेरे दीदी जिया जी और शिवी आई हुई है, मेरी बहन जी, और ये मेरे जिया जी, और ये आर्यांश नमकीन कौर है। तो फ्रेंड्स, अब आई हूँ मैं अपने घर और यहाँ मैं आप सबको सबसे मिलवाऊंगी। फ्रेंड्स, तो अब मैं आ गई हूँ
फाइनली अपने घर अपने मायके आज है भाई दूज। और सुबह जो है मैं तैयार नहीं थी, रेडी नहीं थी, अब मैं थोड़ा साड़ी वाड़ी पहन के आई हूँ। और ये है मेरी मम्मी फ्रेंड्स, ये मेरी बेटी है ये है मेरी मम्मी। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो डांस और ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी जेनेटिक है और ये मेरी मम्मी से मेरे अंदर आई है। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा गाना गाती है। आप उन्हें स्टार मेकर पे फॉलो कर सकते हो, मैं आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप लोग स्टार मेकर सुनते हो तो। और मेरी मम्मी बहुत अच्छा डांस करती है। किसी दिन मैं और मेरी मम्मी दोनों डुओ करेंगे। और ये है मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर। फर्स्ट यूट्यूब वीडियो जो है मेरा चैनल पर डालने के लिए इसी ने मुझे मोटिवेट किया था। और फर्स्ट यूट्यूब जो मेरा वीडियो है वो मेरी छोटी सिस्टर के कहने पे ही मैंने डाला था। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरा सासुपनिया वाला गाना है, जो डांस है मेरा, वो एक्चुअली मैं डालना नहीं वाली थी यूट्यूब पे, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं ये गाना बहुत अच्छा है, इसको डाल इसको डाल। तो वो जो आप डांस देख पा रहे हो और जिसमें आपने इतना सारा सपोर्ट मुझे किया है, इतना सारा प्यार आपने मुझे दिया है, वो मेरी मम्मी की ही वो है। जब वो बहुत ज्यादा वायरल होने लगा वो वीडियो, तो मैंने मम्मी से बोला कि ये आपने बोला था तो मैंने ये वीडियो डाला और आज इसको बहुत सारे लोग अपना प्यार दे रहे हैं, तो थैंक्स। और इस ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार देना है, ठीक है। थैंक यू सभी का कि मेरी बेटी का जो डांस है बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है आप सबका। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, मेरी बेटी के लिए बहुत थैंक यू बोल रही हूँ आप सबको। और फ्रेंड्स ये है मेरे पापा, और मेरे पापा बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत केयरिंग हैं, और इनके सपोर्ट की वजह से ही मैं आज जहाँ पे हूँ वहाँ पे हूँ। और मेरे पापा का नेचर बहुत डिफरेंट है, वो कम बोलते हैं, बहुत रिजर्व नेचर के हैं, लेकिन वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत केयरिंग हैं और बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे अपने घर पे आके सबसे मिलके बात करके इतना मज़ा आ रहा था, हम लोग इन्जॉय कर रहे थे और बच्चे अपने नानी नाना जी के साथ पटाखे चला रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। सच में ये दिवाली का जो फेस्टिवल है ना, सबसे मिलना जुलना, सबके साथ इन्जॉय करना बहुत ही अलग ही फीलिंग होती है। और फ्रेंड्स ये है मेरे हस्बैंड का फेवरेट प्लेस मेरे घर पर, मेरी मम्मी के साथ किचन में बैठ के घंटों बातें करते हैं, इसी जगह बैठे रहते हैं और दोनों बातें करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। और एंड में मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आगे बहुत अच्छे अच्छे और भी डांस वीडियोज़ आने वाले हैं। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय।